जय श्री कृष्णा दोस्तों दोस्तों आज मैं संपूर्ण भागवत गीता की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे मनुष्य की आत्मा न पैदा होती है न कभी मरती है और वो तीन प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन को सामने खड़े योद्धा अपने सगे संबंधी दिखाई दिए तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष पर मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, अपने ही स्वजनों का वध नहीं कर सकता, अपना राज्य तो दूर, तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी नहीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही परीक्षा की घड़ी है, ऐसी कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दुर्बलता छोड़ो और शस्त्र उठाओ। अर्जुन ने कहा, पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर निशाना कैसे लगाऊं, वह भी एक तुच्छ राज्य के लिए, नहीं कृष्ण, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर जी लूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य का कोई न कोई धर्म होता है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म सत्य और न्याय के लिए लड़ना है, तुम वीर हो, युद्ध घोषणा के बाद नहीं लड़ोगे तो तुम भविष्य में बुरा उदाहरण बनोगे। कृष्ण ने कहा, फिर सोचो अर्जुन, यदि सभी अपना अपना स्वधर्म छोड़ने लगे तो समाज कैसे टिकेगा, जीवन में तुम्हारे योग्य जो भी धर्म बनता है वह तुम्हें करना ही चाहिए। अर्जुन, तुम्हें विषाद है क्योंकि तुम अपने को कर्ता समझ रहे हो, परंतु तुम ईश्वर की इच्छा के साधन मात्र हो, अपने कर्मों को उसे अर्पित कर कर्तव्य करो, कर्म का त्याग नहीं वरन निष्काम कर्म ही सच्ची अनासक्ति है। अर्जुन बोलता है, कौरव भले ही मुझे मार डालें, पर मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आखिर वे मेरे भाई हैं। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, तुम भीष्म, द्रोण, दुर्योधन या अपने संबंधियों को मार ही नहीं सकते। अर्जुन बोलता है, क्या मतलब, क्या मेरे तरकश में तीर नहीं है। कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि मरणशील तो केवल मनुष्य का शरीर है, वह शरीर पहले जन्म लेता है, फिर उसका बचपन आता है, युवा आता है, बुढ़ापा आता है और अंत में मृत्यु आती है। मनुष्य की आत्मा न पैदा होती है, न कभी मरती है, न शस्त्र उसे काट सकती है, न आग उसे जला सकती है, न जल उसे गला सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है, और तुम समझते हो तुम उसे मार सकते हो। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही अमर आत्मा मृत शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तुम सोचते हो कि आत्मा और शरीर एक ही है, इसीलिए मारने का भ्रम पालते हो, सत्य यह है कि आत्मा अजर अमर है। अर्जुन बोलता है, तुम्हारा कहना ठीक ही होगा कृष्ण, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि तुम शरीर से बंधे हो अर्जुन। मनुष्य तीन तरह के होते हैं, एक वो जो जड़ बुद्धि और आलसी होते हैं, दूसरे चंचल और कामुक होते हैं, हर समय उलटफेर में लगे रहते हैं, तीसरे वो होते हैं जो ज्ञान खोजते हैं और वो सदैव अच्छे कामों में लगे रहते हैं, पर वो भी शरीर से बंधे रहते हैं, तुम वैसे ही हो। जब मनुष्य शरीर के बंधनों को भूलकर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे वह स्थितप्रज्ञ बनकर बहुत उच्च कोटि में आता है। अर्जुन बोलता है, स्थितप्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या है। कृष्ण बोलते हैं, वह जो सुख दुख में, मान अपमान में या लाभ हानि में न हर्ष करता है न द्वेष, उसके लिए सब कुछ समान है। वह फल का लालच न होने से वह मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता, इसलिए उसका हर काम श्रेष्ठ होता है। यों तो तुम ज्ञान के द्वारा भी यह सत्य जान सकते हो कि यह जो तुम्हारा शरीर है, तुम केवल यही नहीं हो। अर्जुन बोलता है, इसे मैं ज्ञान से कैसे समझ सकता हूँ। कृष्ण बोलते हैं, ज्ञान अग्नि के समान है, जो कुछ अग्नि में पड़ता है वह जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान उन तमाम बंधनों को भस्म कर देता है जो आत्मा को नाशवान शरीर से बांध कर रखती है।
अर्जुन बोलता है, कृष्ण मैं मोह में पड़ा हूँ और संशयग्रस्त हूँ, मुझे आपके तर्क समझ में नहीं आ रहे। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन यह घबराहट चित्त में तब आती है जब वह केवल शरीर में सिमट कर रहता है। ऐसा चित्त अनेक इच्छाएं रखता है और पूरी न होने पर दुखी होता है। कामना पूरी न हो पाने की आशंका तक घबराहट देती है। नाव पानी पर तभी तैर पाती है जब आंधी न हो। इच्छाएं आंधी के समान हैं, जो जीवन की नैया को डगमगा कर रख देती हैं। जब चित्त सब इच्छाएं छोड़ देता है, तभी ज्ञान के द्वारा सत्य मिलता है और मनुष्य सम स्वभाव का स्थितप्रज्ञ हो पाता है। स्थितप्रज्ञ मनुष्य कर्म से भागते नहीं, बस वे परिणाम की चिंता नहीं करते। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उस सागर के समान होता है जिसमें अनेक चंचल नदियां आकर गिरती हैं, पर वह सदा शांत बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चित्त की यह स्थिरता ज्ञान के अलावा ध्यान योग से मिलती है। जैसे प्राणायाम के द्वारा शांत एकांत स्वच्छ स्थान पर बैठकर अपना सिर गर्दन और शरीर सीधा रखकर ध्यान में डूब जाना चाहिए। सात्विक आहार लेने से और योगाभ्यास करने से। किंतु बिना एकाग्रता के कोई साधना संभव नहीं और इच्छाओं से डावांडोल चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता। इसलिए योगी को सांसारिक इच्छाएं त्याग कर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा सत्य प्राप्त करना कठिन है और ध्यान योग भी कठिन है, किंतु भक्ति के साथ पूजा प्रार्थना और समर्पण का रास्ता सबसे सरल है। उसके द्वारा आत्मा को शरीर के बंधनों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन बोलता है, भक्त कितने तरह के होते हैं? कृष्ण बोलते हैं, भक्त चार तरह के होते हैं। एक, जो विपत्ति में भगवान को याद करते हैं। दूसरे, वो जो सांसारिक सुखों की कामना से पूजा करते हैं। तीसरे, वो जो केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। और चौथे वे होते हैं जो चरम समर्पण के द्वारा आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा के दर्शन करते हैं। उनका हर काम पूजा होता है। एकांत में बैठा निष्क्रिय व्यक्ति भी अपने चित्त में सुख और भोग की कल्पना में डूबा रह सकता है। केवल शारीरिक कर्म छोड़ना व्यर्थ है। कुछ लोग केवल आलस्य के कारण भी कर्म त्याग देते हैं। कृष्ण बोलते हैं, कर्म करो अर्जुन, शरीर की रक्षा के लिए भी कर्म आवश्यक है, कर्म से मुक्ति नहीं। दोस्तों, आज का भागवत गीता प्रस्तुति अध्याय एक यही समाप्त होता है। दूसरा अध्याय देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।